हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का ब्लेड लर्नर पे। कंटिन्यू करने जा रहे हैं आज के सेशन में नेशनल इनकम अकाउंटिंग की सीरीज को, एंड पढ़ने वाले हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम के बीच क्या डिफरेंस है। इससे पहले हमने वीडियो बना रखी है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि सिटीजनशिप एंड रेजिडेंटशिप में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं। तो आप पहले, ये रिकमेंडेशन है कि आप पहले उन वीडियोज को देखें फिर आप इसमें कंटिन्यू करें। सो दिस वीडियो एंड दिस होल ऑफ द सीरीज, ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की है, दिस वीडियो एंड द सीरीज वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर करेंटली इन देयर क्लास 12th एंड हैव इकोनॉमिक्स एज देयर वन ऑफ द सब्जेक्ट। इट्स मी सुधांशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्टर इनकम वर्सेस ट्रांसफर इनकम, क्या होता है फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम इज गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट दियर प्रोडक्टिव सर्विसेज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट करी जाती है उनकी प्रोडक्टिव सर्विसेज के अगेंस्ट में, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है उसको पहले जान लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे हमें कोई शुगर मिल लगानी है, तो शुगर मिल अगर हमें इस्टेब्लिश करनी है तो सबसे जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होगी वो होगी कि हमें कोई ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, या तो लीज पे लेनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी। उस पर हमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना पड़ेगा, बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे, स्टाफ्स के लिए अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लैंड में आ जाती है। उसके बाद का जो हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आता है वो है लेबर। अब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर लिया, प्लांट लगा दिए, उसमें मशीनरी इंस्टॉल कर दी एंड पूरा का पूरा अकोमोडेशन का व्यवस्था कर दिया है। तो अब क्या चाहिए हमें? अब हमने सब कुछ तो लगा लिया, अब स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच हमें प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, बीट गुड्स या बीट सर्विसेज, कुछ भी अगर बनाना चाहते हैं तो हमें उसका प्रोडक्शन तो शुरू करना पड़ेगा ना। एंड फॉर दैट वी नीड पीपल अराउंड अस, कि हमें उनकी मदद चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो अकाउंटिंग के लिए चाहिए, ऑपरेशन के लिए चाहिए, मार्केटिंग के लिए चाहिए, या प्रोडक्शन के लिए चाहिए, किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन लेबर्स यानी कि लेबर मीन्स पीपल, हमें लोग तो चाहिए होंगे प्रोडक्शन के लिए। सो उसके बाद जो दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन है वो लेबर। उसके बाद क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल मीन्स, चले आपने शुगर मिल शुरू कर दिया, पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर दी, पूरी की पूरी एकोमोडेशन व्यवस्था कर दी, जो भी प्लांट्स लगाने से सब अपने लगा दिए, लेबर भी हायर करके ले आए, अब प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो ऐसा तो नहीं है ना कि डे वन से ही आपका रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है, किसी भी बिजनेस में नहीं होता। इफ़ यू आर रियली रियली लकी तो होगा कि भाई पहले दिन से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हाँ, बहुत बड़ा इनहेरिटेंस रहा है, बहुत बड़ी आपकी गुडविल है तो ऐसा हो सकता है, बल्कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में ऐसा पॉसिबल है कि पहले दिन से ही आपकी रेवेन्यू जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा क्या होता है अब? लेकिन सैलरीज तो हमें देनी पड़ेगी, जो लेबर हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको तो पहले दिन से ही हमें पैसा देना पड़ेगा अगर हमें प्रोडक्शन चालू करना है। तो फॉर दैट यू नीड कैपिटल। आपको इनिशियली कुछ अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाए, बिजनेस की कंटिन्यूएशन बनी रहे, बिजनेस चलता रहे। तो फॉर दैट यू नीड कैपिटल। कैपिटल कैन बी ऑफ टू काइंड, कैपिटल इन कैश एंड कैपिटल इन काइंड। इन कैश एंड इन काइंड क्या होता है? इन कैश मीन्स अगर आपने बिजनेस के नाम पे कुछ बैंक बैलेंस, बैंक में बैलेंस सेव कर रखा है तो वो भी इन कैश में आएगा, या कोई हार्ड कैश आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो वो भी आएगा। इन काइंड में कुछ भी आ सकता है, बिजनेस के लिए आपने फॉल सीलिंग लगवा दिया, बिजनेस के लिए आपने कुछ फर्नीचर और फिक्सचर खरीद के दे दिया, बिजनेस के लिए आपने कुछ सर्टेन अट्रैक्टिव लाइटिंग्स लगवा दी, तो दैट काउंट्स इन कैपिटल इन काइंड। उसके बाद जो टर्म आता है वो एंटरप्रेन्योर। अब हमने ये समझ लिया कि भाई देखो, हमने शुगर मिल के लिए पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर ली, लेबर्स को भी काम पे लगा दिया एंड उनको पेमेंट करने के लिए, एंड जो भी बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनके लिए हमारे पास कैपिटल है। तो एंटरप्रेन्योर की क्या जरूरत है? इनके बिना भी तो हो सकता है ना, क्योंकि लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस में तो ये काम करता नहीं है एंटरप्रेन्योर, ना ही ये लैंड हमें प्रोक्योर करवा रहा है, ना ही ये कैपिटल है। तो एंटरप्रेन्योर की जरूरत क्या होती है? एंटरप्रेन्योर बेसिकली होता क्या है? बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एंटरप्रेन्योर को बिजनेसमैन से या मर्केंट से, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एंटरप्रेन्योर इज अ डिफरेंट थिंग। इसके लिए आपको एक और एग्जांपल समझना पड़ेगा। आपने कोई भी मूवी अगर देखा हो तो उसमें कास्ट में एक टर्म आता है डायरेक्टर का, कि मूवी का कोई डायरेक्टर होगा। तो मूवी में तो बहुत सारे कास्ट होते हैं, प्रोड्यूसर भी होता है और जो हमारे एक्टर एंड एक्ट्रेस होते हैं वो भी होते हैं, एडिटर भी होते हैं, बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे कास्ट होते हैं, सिनेमेटोग्राफर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं तभी जाके एक मूवी बनती है। लेकिन डायरेक्टर का क्या काम होता है? प्रोड्यूसर तो भाई मान लिए कि भाई चलो ये पैसा लगाएगा, ठीक है। एडिटर जो मूवी है उसको फिर काटेगा कि भाई इसको कैसे शॉर्ट किया जा सकता है। एक्टर असली में स्टेज पे आके परफॉर्म करेंगे, सिनेमेटोग्राफर पूरी सिनेमेटोग्राफी देखेंगे, फोटोग्राफर फोटोग्राफी को देखेंगे, म्यूजिशियन म्यूजिक कंपोज करेंगे, सिंगर्स उस म्यूजिक को गाएंगे। तो ये सारा का सारा काम अपने अपने इंडिविजुअल लोगों का है। तो डायरेक्टर बीच में कहाँ से आता है एंड ये सबसे इन्फ्लुएंशियल क्यों होता है एंड इसको इतनी ज़्यादा पेमेंट क्यों मिलती है, कभी आपने सोचा है? देखिए, मूवी इज नथिंग बट ए प्रोडक्ट। मूवी एक प्रोडक्ट है, बहुत महीनों में एक रिगरस प्रोसेस चला है एंड उससे एक प्रोडक्ट जनरेट हुआ है। दिस इज कॉल्ड मूवी।
मूवी इज नथिंग कॉल्ड एंटरटेनमेंट। मूवी एंटरटेनमेंट हो सकता है बट फॉर दोज हु आर प्रोड्यूसिंग इट, हु आर मेकिंग इट, हु आर क्रिएटिंग इट, फॉर देम इट इज लाइक अ प्रोडक्ट। मूवी इज लाइक अ प्रोडक्ट, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। एंड डायरेक्टर क्या करता है, ये सारे जो एलिमेंट है, प्रोड्यूसर, एडिटर, एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर्स, जो हमारे सिनेमेटोग्राफर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जो हमारे यू नो कोरियोग्राफर्स हैं, उन सबको एक पटल पर ला के उन सब के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उनकी प्रोडक्टिविटी निकाल के एक प्रोडक्ट तैयार करता है। सो द थिंग डायरेक्टर्स डू इज एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एमंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उससे फिर उनसे प्रोडक्टिविटी जनरेट करा के एक प्रोडक्ट तैयार होता है। तो डायरेक्टर कुछ नहीं करते, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं एंड उससे फिर हर एक आदमी से प्रोडक्टिविटी जनरेट कर जाती है, प्रोड्यूसर से भी, एडिटर से भी, एक्टर से भी, क्योंकि डायरेक्टर थोड़ी ना एक्टर को अपना काम सिखाने जाएगा कि भाई ऐसे तुमको एक्टिंग करनी है। ऑब्वियसली एक्टर को तो आता ही होगा उसका काम, एडिटर को भी ये सिखाने नहीं जा रहा डायरेक्टर कि भाई आपको ऐसे एडिटिंग करनी है। तो डायरेक्टर का बेसिकली काम ही यही है एंड फॉर दैट इट इज गेटिंग पेड वॉट इट इज पेड। सो जो पैसा इसको मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो ये इंश्योर करता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है वो बना रहे एंड मूवी प्रोडक्शन में कोई भी हिंड्रेंस ना आए। सो बेसिकली दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। सेम वे गोज विद द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर भी ये इंश्योर करते हैं कि हम पहले तो लैंड लेवल कैपिटल में कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो स्मूथली चले, कोई इसमें ऑब्स्टेकल ना आए, कोई हिंड्रेंस ना आए। ये जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर्स की है। जितनी भी रिस्क बेयर करने की यू नो जिम्मेदारी होगी वो मेरी है, जितनी भी यू नो आई एम द फर्स्ट टू लीड, आई एम द फर्स्ट टू टेक ऑन। सो बेसिकली दिस इज वॉट एंटरप्रेन्योर्स डू। तो आप देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर, लैंड लेबर, कैपिटल, इनको पेमेंट कैसे कैसे मिलती है। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, लेबर को वेजेस मिलते हैं, वेजेस दिहाड़ी, एंड लैंड को रेंट मिलता है। अगर हमने लीज पे लिया तो लैंडलॉर्ड को हमें रेंट देना पड़ेगा। सो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जाता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। नाउ ट्रांसफर इनकम कैसे, किसको कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो आप समझ गए होंगे। एंड जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया जा रहा है इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, कुछ तो बन रहा, तभी तो पेमेंट किया जा रहा है ना। खाली फोकट लेबर को थोड़ी ना पे किया जाएगा या खाली फोकट लैंड का रेट थोड़ी ना दिया जाएगा, जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तब तक तो पेमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कि समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब इकोनॉमी में कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स कि फैक्टर इनकम जब भी हम पे कर रहे होते हैं दैट मीन्स इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जनरेट हो रहा है। दैट मीन्स इट इज यू नो इंक्रीजिंग द यू नो क्वांटम ऑफ आउटपुट इन इकोनॉमी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी ट्रांसफर इनकम इज अ कॉन्सेप्ट। सो ट्रांसफर इनकम इज गिवन विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न। ट्रांसफर इनकम जब दिया जाता है उसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज या गुड्स सामने वाले को नहीं मिलते। लेट सपोज कि आपके पेरेंट्स आपको पॉकेट मनी देते हैं 50 रुपए की पर महीने। तो जब आपको पॉकेट मनी देते हैं तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि 50 रुपए की हमने तुमको पॉकेट मनी दी है, इसका मतलब यू नीड टू यू नो बिल्ड दैट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट तुमको बनाना है या ये सर्विस तुमको बनानी है। ऑब्वियसली वो कुछ रेगुलेशन लगाते हैं कि भाई 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, लेकिन ये सब तो उसमें नहीं आता ना, प्रोडक्टिव सर्विसेज या प्रोडक्टिव गुड्स में नहीं आता ना। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम जब दी जाएगी उसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज या गुड्स जनरेट नहीं होंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर इनकम इज एन यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। दैट मीन्स कि जो सामने वाला दे रहा है उसको इन एक्सचेंज कुछ भी नहीं मिल रहा। सेम गोज विद द स्कॉलरशिप। जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप अगर किसी को देती है 10,000 पर एनम, तो जो 10,000 पर एनम उसको मिल रही है उसके बदले में गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी ना बोलती है कि देखो 10,000 हम तुमको पे कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बदले तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कुछ गुड्स या सर्विस हमारे इकोनॉमी के लिए मेरे लिए प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जाके तुम ट्रैफिक पुलिस बन जाओ, ट्रैफिक को तुम संभालो, हम तुम्हें 10,000 पे कर रहे हैं, दैट मीन्स कि तुम ट्रैफिक संभालो, ये तो सर्विस प्रोड्यूस करना हुआ, ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं। हाँ, ये एक्सपेक्टेशन जरूर होती है कि ये आदमी जिसको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं ये आगे चल के अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बनेगा एंड अपना ह्यूमन कैपिटल को यू नो डेवलप करेगा ताकि आगे चल के इवेंचुअली इकोनॉमी एंड कंट्री को बेनिफिट मिल पाए। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है फॉर्मल ऑब्लिगेशन की इफ यू आर पेइंग, इफ यू आर रिसीविंग 10,000 ऑफ स्कॉलरशिप, इसका मतलब कि आपको कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सरकार को बनाने की जरूरत है, सरकार को बना के देने की जरूरत है, ऐसा तो नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंट इनकम। ट्रांसपेरेंट इनकम में जब किसी को पेमेंट किया जाता है या जो बंदा रिसीव कर रहा है वो सामने से कुछ भी नहीं देता, वो बदले में कुछ भी नहीं देता। लेकिन फैक्टर इनकम में लैंड को अगर रेंट दिया जा रहा है दैट मीन्स कि उस लैंड का हम अटमोस्ट यूटिलाइजेशन करके प्रोडक्शन कर रहा है। लेबर को अगर वेजेस पे किया जा रहा है दैट मीन्स कि लेबर से इंतहाई दर्जे का काम करा के हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं। कैपिटल को अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है दैट मीन्स कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें कैपिटल का बहुत ही ऑप्टिमल यूज हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स को अगर प्रॉफिट पे किया जा रहा है दैट मीन्स कि एंटरप्रेन्योर को दबा के हम स्ट्रेस देके ये इंश्योर करवा रहे हैं कि इन तीनों के बीच कोऑर्डिनेशन बनी रहे एंड प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी ऑब्स्टेकल ना आए। This is factor income. This is the primary difference between factor income and transfer income. That transfer income is an unilateral concept, while factor income is a bilateral concept. इसमें दोनों तरफ से exchange होते हैं, लेकिन transfer income में unilateral concept है, एक ही तरफ से exchange होता है।
फैक्टर इनकम, जब फैक्टर इनकम पे किया जा रहा है दैट मीन्स कि समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो ये नेशनल आउटपुट में तो काउंट होगा ही। नेशनल इनकम को ही हम नेशनल आउटपुट भी कहते हैं, तो नेशनल इनकम कहे या नेशनल आउटपुट कहे दोनों ही चीज बराबर ही है। नेशनल आउटपुट एंड नेशनल इनकम बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। तो चूंकि फैक्टर इनकम जब पे किया जा रहा है दैट मीन्स कि समथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, बीट सर्विसेज बीट ऑफ गुड्स, तो क्या होगा कि हम इससे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त फैक्टर इनकम को कंसिडर करते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम में जब किसी को ट्रांसफर इनकम मिल रही है, रिसीव जो आदमी रिसीव कर रहा है ट्रांसफर इनकम, तो वो कोई भी प्रोडक्शन अगेंस्ट में नहीं कर रहा, इन रिटर्न वो कोई प्रोडक्शन तो करके देता नहीं है। लाइक जैसे हमने किसी को पॉकेट मनी दे दी, तो इसके बदले उसने थोड़ी ना, जैसे मान लीजिए कि 500 रुपये की आपको पॉकेट मनी मिलती है, तो आप थोड़ी ना कि इकोनॉमी में कुछ गुड्स या सर्विस बना के देते हो, वो तो आप ऐसे ही खर्च कर दोगे। तो दिस इज नॉट कंसिडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम किसी भी टाइप का ट्रांसफर इनकम, चूंकि ये यूनिलेटरल होता है, चूंकि इसके एवज में इसके रिटर्न में कोई भी प्रोडक्शन कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं करी जाती है, इसीलिए इसको हम नेशनल इनकम या नेशनल आउटपुट कैलकुलेट करते वक्त कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज नथिंग काइंड ऑफ आउटपुट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड व्हेन वी आर पेइंग ट्रांसफर इनकम एंड व्हेन वी आर रिसीविंग ट्रांसफर इनकम। नाउ बायलेटरल कॉन्सेप्ट है फैक्टर इनकम, एंड फैक्टर इनकम इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली, लेकिन ट्रांसफर इनकम किनको पे किया जाता है? ट्रांसफर इनकम इज पेड टू हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट। सो बेसिकली ट्रांसफर इनकम इज रिसीव्ड बाय बोथ हाउसहोल्ड एंड गवर्नमेंट। हाउसहोल्ड को कैसे मिल सकता है? पॉकेट मनी के रूप में। हाउसहोल्ड मतलब क्या? मैं और आप एंड हमारी फैमिली, जो भी 1.3 बिलियन का पॉपुलेशन हमारा इंडिया में, वो एक पटल पे हाउसहोल्ड ही तो है। बेसिकली हमारे पास चार सेक्टर होते हैं, हाउसहोल्ड, एक होता है गवर्नमेंट, एक होता है हमारा फर्म या कॉर्पोरेशन जिसको कहें, जो भी आप कहें, और एक होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फॉरेन सेक्टर। तो हाउसहोल्ड में तो हम सारे लोग आ जाते हैं, गवर्नमेंट में जो लोग प्रशासन देखते हैं वो आते हैं, फर्म्स में दोज हु आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, बीट वो सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, बीट वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारे लोग फर्म से आ जाएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो फॉरेन सेक्टर हमारा वो आ जाएगा। सो ट्रांसफर इनकम इज आइदर रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि हाउसहोल्ड को कैसे तरह के ट्रांसफर इनकम मिलेंगे एंड गवर्नमेंट को कैसे मिलेंगे। तो हाउसहोल्ड को जो ट्रांसफर इनकम मिल सकता है वो क्या क्या आएगा? सबसे पहली चीज पॉकेट मनी मिलती है भाई, वो भी आ सकता है। दूसरी चीज रेमिटेंस होता है, वो भी आ सकता है। रेमिटेंस क्या होता है? बहुत लोग ये क्वेश्चन करेंगे, रेमिटेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरी फैमिली में कोई आदमी बाहर काम करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लाइक वो पोलैंड में काम करते हैं, एंड पोलैंड से वो पैसा कमा के, जब पोलैंड में उस आदमी ने पैसा कमाया तो वो उसके लिए फैक्टर इनकम हो गया, एंड जब वो पैसा घर भेजता है, कुछ सेविंग बचा के घर भेजता है हमारे यहाँ, तो वो जब हमारी फैमिली रिसीव करेगी, तो हमारी फैमिली ने तो उस पर्सन को जो वो पैसा भेज रहा है उसको तो कुछ इन रिटर्न दिया नहीं ना, कुछ ना तो कुछ गुड्स दिया ना कोई सर्विस दी। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे घर में 20,000 का रेमिटेंस आ रहा है, रेमिटेंस में जो हमारा बाहर से पैसा आता है, हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो जो बाहर से पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो जो रेमिटेंस हम रिसीव कर रहे हैं उसके बदले हम कुछ गुड्स या सर्विस तो पे नहीं कर रहे हैं, जैसे पोलैंड की गवर्नमेंट ने हमारे फैमिली मेंबर को पे किया, एंड जब हमारी फैमिली मेंबर ने उस अमाउंट में से कुछ सेव करके हमें भेजा है हमारी फैमिली को, तो हमारी फैमिली उसके बदले में कुछ इन रिटर्न कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके तो नहीं दे रही। सो इसीलिए रेमिटेंस को भी हम ट्रांसफर इनकम ही मानते हैं। स्कॉलरशिप भी हाउसहोल्ड को मिलती है तो स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, एंड और किस टाइप का हो सकता है? सब्सिडीज, सब्सिडीज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब्सिडीज क्या हो सकता है? जैसे हाउसहोल्ड को देखेंगे बहुत तरह की सब्सिडीज मिलती है, लाइक आप सिलेंडर गैस खरीदने जाएंगे तो आपको सब्सिडीज मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी में भी बहुत तरह की सब्सिडीज मिलती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, चाहती है कि हाउसहोल्ड का बर्डन कम से कम रहे, हाउसहोल्ड का बर्डन कम करने की कोशिश करती है, ताकि हाउसहोल्ड का बर्डन अगर कम होगा तो हाउसहोल्ड अल्टीमेटली अपने लिए सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, एंड सेविंग्स वो कहाँ करेंगे? बैंक में करेंगे, एंड बैंक में अगर सेविंग्स करेंगे तो बैंक उसी को थ्रू मॉनेटरी चैनल्स उस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हाउसहोल्ड को हाउसहोल्ड के बजट में जितनी ज़्यादा कटौती हो सके वो हो सके, ताकि वो ज़्यादा सेव करे, इसीलिए उनको सब्सिडी दी जाती है। तो हाउसहोल्ड को जो सब्सिडी दी गई, जैसे 200 रुपये की सब्सिडी मिलती है पर गैस सिलेंडर मान लेते हैं, तो जो 200 रुपये की सब्सिडी हाउसहोल्ड को मिली है उसके बदले ऐसा थोड़ी ना कि गवर्नमेंट पूछ रही है कि भाई 200 रुपये जो हमने तुमको दिया है सब्सिडी उसके बदले तो हमको कुछ बना के दो, या तो गुड्स या सर्विसेज कुछ तो बना के दो, ऐसा थोड़ी ना बोलती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि भाई ये जो 200 का बर्डन हमने हाउसहोल्ड पे कम किया है, हाउसहोल्ड क्या करेगी, उस 200 को बचा के आगे बैंक्स में सेव करेंगी, एंड बैंक्स उसको फिर थ्रू मॉनेटरी चैनल उस पैसे का यूटिलाइजेशन होगा, लोन दिया जाएगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो हाउसहोल्ड को इतने तरीके के ट्रांसफर इनकम रिसीव हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाउ गवर्नमेंट को किस तरीके का ट्रांसफर इनकम, गवर्नमेंट किस तरीके का ट्रांसफर इनकम रिसीव कर सकती है, एंड सब्सिडीज से एक बात आती है। सब्सिडीज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सब्सिडीज तो फर्म्स को भी पे किया जाता है, सब्सिडीज ऑब्वियसली फर्म्स को भी बहुत तरीके की सब्सिडीज मिलती है। लाइक आप देखेंगे किसी का पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, किसी का पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, तो क्या होगा कि उसका अगर रॉ मटेरियल ओमान से आता है, गल्फ कंट्री से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगी कि भाई देखो तुम्हारा जो ओमान से मटेरियल आता है उसमें बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी तुम देते हो, तो हम क्या करते हैं कस्टम ड्यूटी जो तुम्हारा 3% है उसको घटा के हम 1% कर देते हैं, यानी कि 2% की कटौती तुम्हारे लिए कर दिए, ताकि अल्टीमेटली तुम इकोनॉमी में ही तो कंट्रीब्यूट करते हो, अगर तुम्हारा फायदा होगा तो तुम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे तो इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ेगा, उससे यहाँ के लोगों को ही फायदा होगा। तो बेसिकली फर्म्स को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट
सब्सिडीज देती है। तो जो सब्सिडीज फर्म्स को मिली है उसके बदले में फर्म्स क्या करते हैं, कुछ गुड्स या सर्विस जनरेट करके देते हैं। फर्म्स हमारे यहाँ हाउस होल्ड की तरह ऐसा नहीं कि सब्सिडीज रख लिए और कुछ प्रोड्यूस करके भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन फर्म्स अगर उनको सब्सिडीज मिली है तो वो उससे कुछ प्रोड्यूस करते हैं, जैसा 2% का उनको डिडक्शन मिला है तो वो और इंकरेज होकर कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ज़्यादा इकोनॉमी में आउटपुट क्रिएट करेंगे। सो बेसिकली फर्म्स को जो सब्सिडी मिलती है उसके रिटर्न में फर्म्स कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके देते हैं, इसीलिए फर्म्स को जो सब्सिडी मिलती है उसको ट्रांसफर इनकम नहीं गिना जाएगा, उसको फैक्टर इनकम गिना जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये बायलेटरल है, फर्म्स को सब्सिडी मिली, फर्म्स ने भी दबा के इकोनॉमी में आउटपुट प्रोड्यूस किया। गवर्नमेंट को किस तरीके का मिल सकती है, किस तरीके की यू नो ट्रांसफर इनकम मिल सकती है, तो टैक्सेस है। टैक्सेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, यहाँ मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लेते क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में एक हाउस होल्ड जो पे करता है वो इनकम टैक्स हो गया, एंड जो फर्म्स पे करती है वो हो गया कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। तो इनकम टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स, जैसे मान लीजिए कि आपके फादर इनकम टैक्स पे करते हैं 1 लाख रुपीज़ पर एनम, तो जब उन्होंने 2019-2020 फिस्कल ईयर में 1 लाख पर एनम का टैक्स पे करा था, तो पे करता वक्त ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट को बोला था कि भाई देखो ये 1 लाख रुपीज़ जो हम तुमको दे रहे हैं इसके बदले में आई वॉन्ट कि हमें ये रोड बननी चाहिए, हमारी ये स्ट्रीट सुधरनी चाहिए, हमारे यहाँ लाइटिंग होनी चाहिए, 24/7 हमारे पास वाईफाई होनी चाहिए। ये सब हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू डू दीज ऑल थिंग्स, कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस करें, लॉ एंड ऑर्डर आप सुधारें। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कोई फॉर्मल ऑब्लिगेशन है कि 1 लाख रुपए का हमने टैक्स पे किया तो 1 लाख रुपए की हमें सर्विस भी तुरंत की तुरंत चाहिए, ऐसा नहीं होता। टैक्सेस आर ऑल्सो यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, कि जब हम पे करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो हम पैसा दे रहे हैं इसका तुम यूटिलाइज करोगे हमारे वेलफेयर के लिए, लेकिन ऐसा तो ऑब्लिगेशन नहीं कि जो हमने दिया उसका हमें गुड्स एंड सर्विस तुरंत का तुरंत प्रोड्यूस करके दे दो, ऐसा तो नहीं होता। सेम विथ कॉर्पोरेट टैक्स, की फर्म्स भी जब अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में देती है तो फर्म्स भी ये कहते हैं कि भाई देखो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कम्यूट करने के लिए बीच में बहुत सारे यू नो इंफ्रास्ट्रक्चर इशूज़ हैं, तो तुम यू नो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दो, तुम रोड्स बनाओ, इससे हमारी कर्मचारी की एफिशिएंसी बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट इन इशूज़ को एड्रेस कर सकती है एंड बाद में उसका रिड्रेसल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई फॉर्मल ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई अगर कॉर्पोरेट टैक्स 400 करोड़ का पे किया गया है मुख्य रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा, तो 400 करोड़ का गवर्नमेंट कुछ उनको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करके देगी। तो दिस इज नॉट हाउ द थिंग वर्क्स, तो ऐसे तो चीजें चलती नहीं है। तो ऐसा क्या होता है कि टैक्सेस आर ऑल्सो यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट। नाउ एग्जाम्पल क्या हो सकता है फैक्टर इनकम का, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं। वहीं पे ट्रांसफर इनकम का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, स्कॉलरशिप जो हाउस होल्ड द्वारा रिसीव किया जाता है, टैक्सेस जो गवर्नमेंट रिसीव करती है हाउस होल्ड से या फर्म से भी, ओल्ड एज पेंशन। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट आ गया ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन क्या होता है कि सर्टेन एज के बाद, लाइक 60 ईयर्स के बाद, सरकार ये सोचती है कि जो सीनियर सिटीजन है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी वेलबींग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इनको मंथली कुछ अमाउंट देते हैं, लाइक 2000 रुपीज उनको मंथली हम देंगे उनके वेलबींग के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको उनके बैंक अकाउंट में गिरा देंगे इतना पैसा। तो 2000 रुपीज जो वो सीनियर सिटीजन को देते हैं, इसके बदले वो सीनियर सिटीजन से ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं कि 2000 की हमें कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करके दो, आपकी ऑब्लिगेशन है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो वो लोग एज अ सिंपैथी करते हैं कि ये जो सीनियर सिटीजन है इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा सर्व किया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करा है, तो अब हमारी ड्यूटी है कि इनके वेलबींग में हम कंट्रीब्यूट करें। दिस इज वॉट कि ये पे किए जाते हैं, इसीलिए तो ये पे किए जाते हैं ना। नाउ ओल्ड एज पेंशन तो हो गया, इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा यू नो ट्रॉमेटाइजिंग कॉन्सेप्ट है, पेंशन जो हमारा ग्रेचुटी के बाद मिलता है, जो हमारा सुपर एनुएट होने के बाद मिलता है, जब आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पेंशन मिलता है सर्विस खत्म होने के बाद, टेन्योर खत्म होने के बाद, वो पेंशन क्या कहाएगा, इधर वो फैक्टर इनकम है और वो ट्रांसफर इनकम है। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि ये जो पेंशन मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉयज को मिलती है जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, तो उनको पेंशन मिलती कहाँ से है। तो जिसकी भी आप सैलरी स्लिप देखेंगे, बीट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बीट ऑफ प्राइवेट एम्प्लॉय, तो सैलरी स्लिप पे एक होती है ग्रॉस सैलरीज, एक होता है कॉन्सेप्ट होता है ग्रॉस सैलरी का, एक होता है नेट सैलरी का। ग्रॉस में जैसा मान लें कि आप उनको 1 लाख रुपीज मिली है इस महीने की, तो कुछ डिडक्शन करी जाएंगी उनके सैलरीज में से, एंड फिर उनकी नेट सैलरी जो इन हैंड होती है, जिसको कि इन हैंड सैलरी बोलते हैं, वो मान लीजिए कि 85,000 है, दैट मीन्स कि 50,000 की डिडक्शन करी गई है उनके सैलरी में से, उनके ग्रॉस सैलरी में से, तभी उनके हाथ में 85,000 आए। तो ये जो 15,000 है वो जब महीना का हर एक महीने हम डिडक्शन करेंगे, तो ये 15,000 पूरी सर्विस के दौरान अगर हम एंड पे स्केल बढ़ता है तो डिडक्शन भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार होता है गवर्नमेंट के पास हर एक एम्प्लॉय के डिडक्शन से। तो इसको क्या करती है गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट एंटिटी भी अगर पेंशन दे रही है, तो उनका भी यही फॉर्मूला होता है, वो भी यही करते हैं कि उनके डिडक्शन से ही एक कॉर्पस तैयार होता है, एंड उसी कॉर्पस से वो उनको बाद में पेंशन देते हैं, उसी कॉर्पस को वो इन्वेस्ट करते हैं, एंड उससे फर्दर उसको कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या अलग अलग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी चीज में, किसी भी एजेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड उससे जो सरप्लस जनरेट होता उसी से एम्प्लॉइज को पेंशन दिया जाता है। सो ऐसा हम कह सकते हैं कि पेंशन जो दिया जा रहा है एम्प्लॉय को उसका ओरिजिन कहां पे है, उसका ओरिजिन कहां पे है, तो ग्रॉस से जो नेट में डिडक्शन करा गया उससे है, यानी कि जो कमाई है एम्प्लॉय की उसी से तो उनको पेंशन दिया जा रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने कमाया था 1 लाख एंड उसमें डिडक्ट कर लिया गया
15,000, इसको बाद में इन्वेस्ट करते करते ऐसा अमाउंट बन गया कि ये इनको आसानी से 10-15-20 साल तक आसानी से हम उनको पेंशन दे सकते हैं। सो बेसिकली वी कैन से कि जो पेंशन है इनकी ओरिजिन कहाँ है, इसी एम्प्लॉय के सर्विस के दौरान। तो इस एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत सर्विस दी होगी, तब तो उनको सैलरी मिलती है ना। एंड इसी के सैलरी में से अगर कोई डिडक्शन हुआ, दैट डज नॉट मीन कि वो ट्रांसमिट कम हो गया, क्योंकि वो जो पेंशन है वो उस समय कमाई गई जब वो सर्विस में थे, जब वो दबा के मेहनत करते थे तब जो उनको पैसे मिलते थे उस समय की ये पेंशन कमाई गई है। ये मिल अब रही ये अलग बात है, लेकिन कमाई उसी समय की है ना। सो ये जो पेंशन होता है वो फैक्टर इनकम है, बिकॉज उस एम्प्लॉय को जिसको पेंशन अभी मिल रहा है उसने किसी समय में बहुत ज्यादा मेहनत करी थी उस एम्प्लॉय के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आज उनको उसी के पैसे से एज ए सिंपथी भी नहीं दी जा रही, उसी के पैसे से उसी के सैलरी में डिडक्ट करके कुछ अमाउंट बाद में एक बड़ा सा कॉर्पस तैयार हो गया, कॉर्पस में बहुत बड़ा एक फंड तैयार हो गया, उसी को इन्वेस्ट करके उसी के इंटरेस्ट से या उसी के यू नो प्रॉफिट से उनको पेंशन दिया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड एज पेंशन एंड जो ग्रेचुटी पेंशन हमें मिलता है उसके बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफर इनकम एंड फैक्टर इनकम। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो फर्म्स को सब्सिडीज मिलेंगी वो ट्रांसफर इनकम नहीं कही जाती है, क्योंकि फर्म्स सब्सिडीज का यूटिलाइजेशन करते हैं एंड उससे प्रोडक्शन करते हैं किसी गुड्स एंड सर्विसेज का, अल्टीमेटली इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ता है, सो उसको फैक्टर इनकम में काउंट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू हैव एंजॉयड इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, एंड मेक श्योर दैट विद द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर दैट विद द बेल आइकन, आपको अगर कॉन्टेंट अच्छा लगे तो। इट्स मी सुधांशु साइनिंग ऑफ।